हेलो दोस्तों, आज एक नया फ्लुइडा ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि हर काम में हम करते हैं। आज का जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं वो है ये क्रिस्टल बॉल। ये क्रिस्टल बॉल से हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वो टेक्निक। तो ये हमारा कलर मैंने प्रोड्यूस कर लिया है, यहाँ पर ये वाइट है, ये लाइट ब्लू है, ये रेड है और ये डीप ब्लू है। ये चारों कलर कूल कलर, सिर्फ रेड को छोड़ के जो कलर होता है वो कूल कलर है। कूल कलर में हम करेंगे, वहाँ पर रेड देके थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और ये पहले इसको हम साइड में रख देते हैं, कैनवास को ले आते हैं, उसमें कलर फेंक के कुछ अलग टेक्निक से कलर फेंक के एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका काम शुरू होगा। आप देखते रहिए। इस टेक्निक में हम थोड़ा सा कलर फेंक के हम यहां पर सर्कल्स क्रिएट करेंगे और उससे पूरा मैटर होगा। तो पहले ब्लू से करते हैं, यहां पर थोड़ा यहां पर अभी रेड व्हाइट अब फिर से ब्लू पर थोड़ा रेड बस। हो गया। अब करना है क्या, ये क्रिस्टल बॉल है उससे कुछ बनाना है। तो ये आ गया हमारा क्रिस्टल बॉल, इसको हम यहाँ पर रख के थोड़ा शिफ्ट करेंगे और बहुत ही संभाल के करना होगा ये। और ये भी अगर टेबल में गिर जाएगा तो टूट सकता है, उससे थोड़ा संभाल के करना होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं।
चलो मिडिल से ले आए हैं, मिडिल से और भी एक साइड में थोड़ा के इसको इस तरह ही रहना देते हैं इसको। अब थोड़ा व्हाइट कलर हम लेंगे, तो ये सेकेंड ट्राई मेरा ठीक हुआ, पहले ट्राई में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ट्राई भी सफल हुआ। बस यहाँ पर क्विट करना है इस शेकिंग को। हाँ तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था क्रिस्टल बॉल से भी, और ये जो व्हाइट कलर देके जो एक्सपेरिमेंट हम किया ये भी फर्स्ट। तो कितना सुंदर इफेक्ट यहाँ पर आए हैं देखिए आप, बहुत ही सुंदर। पहली बार ऐसा कोई टेक्निक में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है क्रिस्टल बॉल से भी, और ये जो व्हाइट कलर दे के जो स्मॉल सर्कल का जो इफेक्ट है ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ज़्यादा खराब नहीं हुई, अच्छी ही है। जो बैलेंस है वो भी बहुत ही अच्छा है, और मिडिल में ये कलर का जो कनेक्शन है ये मिडिल में ज़्यादा है, थोड़ा साइड में थोड़ा कम है, तो वही चाहिए था। लेकिन कुछ पता नहीं था किस तरह का इफ़ेक्ट आएगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं पता था क्योंकि ये पूरा की पूरा एक चांस है। कलर खुद ही खुद के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, उससे ही पेंटिंग बन जाता है। और ये जो इफ़ेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट हुआ तो ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है। ये जो वाइट का जो इफ़ेक्ट तैयार हुआ है, थोड़ा कलर में मैंने पानी ज़्यादा दे दी थी इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो गया। पानी अगर कम देते थे और मीडियम ज़्यादा
तो और भी अच्छा इफेक्ट आएगा। और दूसरी बार सेकेंड टाइम हम जब करेंगे तो उसको दिमाग में रख के करने की कोशिश करेंगे। अब ये जितना ड्राई हो रहा है, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, कुछ बालों की तरह इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, बहुत सारी इफेक्ट आएगा। अभी इसको ड्राई होने देते हैं। फ्लूइड पेंटिंग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना इस तरह का और भी इंटरेस्टिंग पेंटिंग वीडियो, सेटिस्फाइंग पेंटिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।